हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वाली जो है क्वेरी रहती है, या मैं कह सकता हूं वीडियो की आप जो डिमांड करते हैं, वो है प्रोपेगेशन की। प्रोपेगेशन चाहे फिर वो हो वाटरिंग में ग्रो करने की, या आप अपने सॉइल मीडियम में ग्रो करें, या सैंड में उसको ग्रो करें, सीड से ग्रो करें, एयर लेयरिंग करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स बताने वाला हूँ फ्लोरिंग के, जो आप जो है अभी कटिंग उसकी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा सीज़न अभी चल रहा है दोस्तों जून का, और जुलाई जल्दी ही आने वाली है, यानी कि ये जो समय है दोस्तों प्री मानसून का है। हल्की फुल्की कहीं कहीं जगह पे रेन हो रही है, बारिशें हो रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक मौसम माना जाता है गार्डनर्स के लिए। और अगर अभी आप अभी से रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे कटिंग्स के लिए, और अभी अगर आप कटिंग ग्रो करते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। और जब सीज़न आएगा तो आपके पास काफ़ी सारी ढेर सारी अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स की कटिंग होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फ्लोरिंग प्लांट्स की कटिंग्स को कैसे लगाना है, कौन से प्लांट्स हैं, और उसके साथ साथ कुछ इंडोर या शेड लविंग प्लांट्स की भी कटिंग्स को बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों फ्लोरिंग प्लांट्स से, हाइबिस्कस की। जब फ्लोरिंग प्लांट्स की बात आती है और हाइबिस्कस का नाम ना लें ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बहुत ही अच्छा दोस्तों एक हार्डी वैरायटी है इंडियन क्लाइमेट में ग्रो करने के लिए। आप इसकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। थोड़ी सी सेमी हार्डवुड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओलियंडर, यानी कि कनेर। तो इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि इसको कैसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी दो दोस्तों वैरायटियां आती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी होती है और एक नॉर्मल आती है। तो आप दोनों की कटिंग्स को लगा सकते हैं, दोनों ही कटिंग्स को मैंने लगाना बताया है, बहुत ही ईजिली तरीके से ये ग्रो हो जाता है। फिर आता है दोस्तों हमारा बोगनवेलिया, इसकी भी मैंने कटिंग आपके साथ शेयर की थी लास्ट ईयर। इसको कैसे ग्रो करना है, तो आप इसके भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी वैरायटी है दोस्तों फ्लोरिंग की, अगर आप इसे अपने गार्डन पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे जगह देंगे, तो काफ़ी अच्छा आपका लुक हो जाएगा गार्डन का। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लूमेरिया, यानी कि ये है नाग चंपा, वैसे आप चंपा भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती है, नाग चंपा है। इसकी भी आप कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, ग्रो करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। आपको ईजिली इसकी कटिंग्स को जो है बस खोज देना होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पास से मेरा उस दिन तूफान आने की वजह से ये यहाँ पास टूट गया था, तो मैंने इसे यहाँ पास लगा दिया है, और देखिए अभी अच्छी तरीके से ग्रोइंग उसमें आ रही है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, मैंने आपको इसी प्लांट्स की जो है प्लूमेरिया की कटिंग्स लगाना बताया था। और देखिए आप चाहे आप इसको रिजल्ट मान लीजिए, चाहे जो मानिए, ये आपके सामने है, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपसे एक्सोरा प्लांट की। तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट है, बुशी शेप में आता है दोस्तों, काफ़ी हार्डी होने के साथ साथ इसकी काफ़ी सारी वैरायटी, मेरा मतलब है कहने का कि इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आप अगर नर्सरी से परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, या तो आप कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली इसकी दोस्तों कटिंग ग्रो हो जाती है। कोई सी भी आपको वैरायटी मिल जाती है, आप उसकी ईजिली कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा डबल चांदनी का प्लांट, यानी कि इसको टगर भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये प्लांट दिख जाता है तो आप इसकी कटिंग तो ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। आप अपने गार्डन पे इसे भी जगह देंगे तो बहुत ही आपका एकदम भरा भरा, बहुत बुशी सा दिखेगा आपका गार्डन, और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं इसके फ्लावर्स लगाने में। बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है, आप नॉर्मल इसको गार्डन सॉइल में भी अपने लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारा एलमांडा का प्लांट। एलमांडा के प्लांट्स में दो वैरायटियां आती हैं, एक बुशी वाला होता है, एक थोड़ा सा वाइन वाला होता है, श्रब टाइप का। तो आप उसकी दोनों की कटिंग्स लगा सकते हैं, आपको मेरे वीडियो में आपको दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने दोनों ही वीडियो आपको शायद शेयर किए हैं कि इसकी केयर कैसे करते हैं, इसको रिपॉट कैसे करते हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कटिंग्स लगानी है तो ईजिली कटिंग्स इसकी ग्रो हो जाती है। आप थोड़ा सा इसमें रूटिंग हार्मोन का यूज़ कीजिएगा, उसके साथ साथ आप इसको जो है अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से ग्रो हो जाएगा। रूटिंग हार्मोन सबके पास नहीं होता, फिर भी मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसे ले ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कटिंग्स लगाने के शौकीन हैं तो रूटिंग हार्मोन्स आपके लिए अच्छा एक चीज़ साबित हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी बूस्ट कर देता है आपकी कटिंग्स की प्रोसेस को। अगर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल या आप उसको हनी में डिप करके भी उसके कटिंग्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों मोगरा या जास्मीन आप कह सकते हैं, इसमें भी काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट्स जो होता है ये, इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल से फ्लावर्स आते हैं, काफ़ी गुच्छों में फ्लावर आते हैं। तो अगर आपको इस प्लांट की कटिंग मिल जाती है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये काफ़ी फ्रेग्रेंट प्लांट है, और अगर आप इसे अपने गार्डन पर प्लेस करेंगे तो आप एक अच्छे फ्लावर्स के साथ साथ एक अच्छी महक भी इसकी ले सकते हैं। तो आप इसे डेफिनेटली ग्रो कीजिए। इसकी मैंने आपके साथ एयर लेयरिंग वाली मेथड भी शेयर की है कि इसको एयर लेयरिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली प्रॉपगेट हो जाता है, और आप इसकी जो कटिंग को है वाटर में भी लगा सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर लगाइए।
हार्डी और फ्लॉरिंग वाले प्लांट्स की बात हो और अगर हम इसे स्किप कर दें ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ विंका की, तो विंका की काफ़ी सारी वैरायटियाँ मिल जाती हैं इस समय, तो आपको साइड में भी दिख जाएंगे, रोड साइड में भी ये लगे हुए होते हैं, वाइट कलर और पिंक कलर में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये हार्डी वैरायटी कहीं भी किसी भी सॉइल में ग्रो कर जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सीड पॉट भी बनते हैं, उससे भी ये ग्रो हो जाता है और आप इसकी कटिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग भी बहुत ही आसानी से किसी भी सॉइल मीडिया में, या का कोई प्लांट है आप उसी में इंसर्ट कर देंगे उसकी सॉइल में, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों फूलों के राजा यानी कि रोज़ प्लांट, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है, जो गार्डनिंग लवर्स हैं उनका भी और जो बिगिनर्स हैं अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनका भी, तो ये सबसे उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है। और इसकी कटिंग्स को भी लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप इसे लगाते हैं अपने, अगर जो देसी रोज़ की कटिंग्स है वो तो काफ़ी हार्डी होती है और ईजिली जो है प्रोपोगेट हो जाती है, वो आप लगा सकते हैं। या फिर आप दोस्तों इसकी जो इंग्लिश रोज़ की कटिंग है उसको भी ग्रो कर सकते हैं। इंग्लिश रोज़ समटाइम्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं उनके साथ, फिर भी अगर आप रूटिंग हार्मोन वगैरह का यूज़ करके उसे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दोस्तों टिकोमा की, या कि रेड फ्लेमिंग वाइन, ऑरेंज फ्लेमिंग वाइन जो आपकी जगह पर बोलते हो, तो इसकी भी कटिंग दोस्तों बहुत ही आसानी से इसको आप प्रोपागेट कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी जगह आपको सेमी हार्डवुड मिलेगी, आप उसको नॉर्मल जो दोस्तों इंसर्ट दीजिएगा अपनी गार्डन सॉइल में, या आप दोस्तों इसको थोड़ा सा सैंड और सॉइल के साथ इसका मिक्सचर बना के इसको लगा सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करे, काफ़ी इजी तरीके से इसकी जो कटिंग है ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों एलमांडा की, एक नेटिव फैमिली का जिसका नाम है मोंडाविला, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, नर्सरी से परचेज करना चाहते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, आपको कहीं मिल गया है तो आप बेशक इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों पोर्चुला का, यानी कि इसे मॉश रोज भी बोलते हैं, और इसके जो अलग अलग वैरायटी आती हैं पासले के नाम से भी जानते हैं, तो पासलेन भी दोस्तों समथिंग ऐसे ही दिखते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, आपके पास जो भी है सैकुलेंट फैमिली का ये प्लांट है, इसकी दूसरी वैरायटी भी अगर आपको मिल जाती है दूसरे कलर्स की, तो आप इसे ईजिली ग्रो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको किसी भी तरह के इसमें रूटिंग हार्मोन की लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी टू ग्रो है, आप कहीं भी किसी भी सॉइल मीडिया पर आके इसको इंसर्ट कर देंगे और ये हफ्ते भर के अंदर आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों रंगून क्रेपर या मधुमालती का, तो अभी इसमें रिसेंटली फ्लावर आए थे और अभी गिर चुके हैं, तो इसकी भी कटिंग्स आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी इसकी कटिंग्स लगाई थी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। थोड़ा सा मौसम दोस्तों, जब मैंने उसे कटिंग को चेक करने के लिए निकाला, वो मेरे से थोड़ा सा गलती हो गई और वो जो मेरी कटिंग है वो ख़राब हो गई, तो मैंने दोनों कटिंग्स लगाई थी, दोनों ही कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर गई थी, तो आप भी इसे ज़रूर लगाइएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, अगर आप बुशी चाहते हैं किसी एरिया को हाइड करना, तो आप ये प्लांट्स जो है दोस्तों ज़रूर लगाइएगा। फिर मैं बात करूँगा अपराजिता प्लांट की, तो अपराजिता प्लांट भी बहुत डिमांडिंग में रहता है इस समय, इसके भी ब्लू वाइट दो कलर्स आते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी बात है, आप इसको सीड से भी जर्मिनेट कर सकते हैं, सीड्स इसके बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं आपको, जहाँ फ्लावर्स लगता है वो स्पेंट फ्लावर के आगे ही दोस्तों वहाँ पर सीड फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर आपको सीड्स मिल जाते हैं किसी भी आपके फ्रेंड्स के यहाँ या फैमिली मेम्बर के यहाँ, तो वहाँ से ला सकते हैं, सीड से काफ़ी जल्दी से ये दोस्तों जर्मिनेट हो जाता है, प्लांट में रेडी होने के लिए इसको ज़्यादा समय नहीं लगता, 3 से 4 महीने में आपके पास मैच्योर प्लांट रेडी हो जाएगा, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। आपको कटिंग्स लगानी है तो आप कटिंग्स को भी इसमें ग्रो कर सकते हैं, इस प्लांट में कटिंग का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिजेंथिमम। क्रिजेंथिमम तो वैसे एक विंटर प्लांट्स की वैरायटी है, बट ये काफ़ी हार्डी टाइप का भी प्लांट है, मेरे पास काफ़ी सालों से है और गर्मियों में भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल जाता है, सर्वाइव कर जाता है। अगर आप इसे ऐसे बंच बना के रखेंगे जैसे मैंने रखा है, तो आप भी इसकी अभी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीज़न है, जब नेक्स्ट विंटर आएगी तो ये काफ़ी आपका प्लांट जो मैच्योर हो चुका होगा फ्लावरिंग के लिए रेडी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इंडोर प्लांट या सेड लविंग प्लांट की, तो सबसे पहले दोस्तों जो गार्डनर्स हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे आता है ये स्नेक प्लांट यानी सेंसेवेरिया, तो इसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती है जैसे आप देख रहे हैं, तो ये बहुत इजी तरीके से दोस्तों प्रोपेगेट हो जाता है, इसके पहले मैंने वीडियो भी शेयर की है। आप इसकी नॉर्मल जो है लीव्स को आप निकाल कर उसको किसी चीज़ में इंसर्ट कर दीजिएगा अपनी नॉर्मल सॉइल मीडिया में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, 15 से 20 दिन में ही दोस्तों इसकी जो है नई ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों थूजा प्लांट की, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है, काफ़ी पसंद किया जाने वाला प्लांट है, तो इसकी भी आप कटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ये कटिंग से इसको ग्रो करने के लिए
यहाँ पास लगाया था और काफ़ी अच्छा इसका सक्सेस मुझे मिला है रिजल्ट। तो आप इसकी, मैं यही कहूँगा कि छोटी सी कटिंग्स लगाइएगा, ज़्यादा बड़ी कटिंग मत लगाइएगा, जो नई ग्रोइंग वाली जो कटिंग होती है आप उसको लगाइएगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों पेडीलेंथस, या आप कह सकते हैं इसे डेवल बैकबोन। तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है दोस्तों और कटिंग के लिए काफ़ी इजी होता है। आपको अगर ये मिल जाता है प्लांट, आप इसकी कटिंग्स को ला के लगा देंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, भूल जाना है, ये प्लांट अपने आप ही ग्रो होगा दोस्तों। और ये क्या है कि ऐसा प्लांट है कि आपको जल्दी से रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कटिंग ख़राब हो जाती है, बट इसका ऐसा नहीं होता है, ये ज़्यादातर कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है और अच्छी तरीके से ये ग्रो भी करने लगेगा। तो आप इसकी कटिंग्स को तो ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ सिंगोनियम प्लांट की, तो सिंगोनियम प्लांट्स तो खैर बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस कह चुका है कि इससे हार्डी प्लांट मैंने देखा ही नहीं। बिगनर्स के लिए खास करके बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर आप नए नए गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसे तो ज़रूर अपने गार्डन पर जगह दीजिए दोस्तों। ज़्यादा पानी हो जाता है, कम पानी हो जाता है, ज़्यादा धूप में पड़ा हुआ है कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो जाएगा, कम फर्टिलाइज़र है तो भी चलेगा। तो ये ऐसा प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हार्डी, आप इसे ज़रूर लगाइएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कटिंग्स से ग्रो हो जाता है, आप इसकी कटिंग को पानी में ग्रो कीजिए, सॉइल मीडिया में ग्रो कीजिए, बहुत इजीली ये प्रोपेगेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों डोरेंटा, आप इसकी भी कटिंग्स को लगा सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। ये जो आप कटिंग्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लांट्स देख रहे हैं, ये मैंने कटिंग्स के थ्रू ही ग्रो किया है। तो आप ये देख रहे हैं इसकी जो न्यू शूट्स हैं, आप इसको थोड़ा सा काट कर या किसी चीज़ से शार्प गार्डनिंग टूल से कट करके इसको आप इंसर्ट कर दीजिएगा नॉर्मल गार्डन सॉइल में, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट, ये एक तरह का सेक्युलेंट प्लांट है। आप इसे अगर ग्रो करेंगे तो ये वैसे ही जैसे मैंने पेडीलेंथस की आपको बात बताई है सिंगोनियम की, भी काफ़ी हार्डी प्लांट है। आप इसकी कटिंग्स लगा के भूल जाइए, काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। आप किसी भी तरह के सॉइल मीडिया पर लगाइए, आप सैंड पर लगाइए, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस वाली कटिंग इसको आप वाटर पे ग्रो मत कीजिएगा, इसका वाटर पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो आप इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल पे अपने लगा देंगे तो आपका प्लांट वहाँ से रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दोस्तों मीठे नीम के प्लांट के बारे में, या कई लोग इसे कड़ी पत्ते के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है दोस्तों। मैंने भी इसकी जो कटिंग को ग्रो करके पहले देखा था और इसका रिजल्ट मुझे देखा, और इसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप इसकी कटिंग्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो थोड़ा सा सेमी हार्डवुड रहती है, नई ग्रोथ बिल्कुल मत लीजिएगा इसकी। जैसे आप ये देख रहे हैं पतली सी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही है, ज़्यादा हार्डी भी इसकी आप मत लीजिएगा ब्रांच। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा जहाँ नोड एरिया है वहाँ से कटिंग कर इसकी आप ग्रो करेंगे, नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ग्रो करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा वेंडरिंग जू की। वेंडरिंग जू भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और एक ऐसा प्लांट है जिसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसकी लीव से, इसके स्टेम से। ये हर जगह से दोस्तों ग्रो हो जाता है, अगर छोटी सी भी लीव आप छोड़ देते हैं अपने सॉइल मिक्सचर में तो ईजिली वहाँ से ये ग्रो हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ये प्लांट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, मेरे पास छोटा सा है दोस्तों इसका हिस्सा बचा था, मैंने उस हिस्से से ही इसको ग्रो किया है। अब देख सकते हैं आप रिज़ल्ट कितना इसका अच्छा आ रहा है। तो आप इसे तो ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये काफ़ी कलरफुल रहता है और आपके गार्डन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। नेक्स्ट प्लांट आता है दोस्तों हमारा जेड का प्लांट, ये भी काफ़ी अच्छा दोस्तों ग्रो करता है अपने इंडियन क्लाइमेट में। तो अगर आपकी आपके पास इसकी कटिंग है या आपको मिल जाती है तो आप इसकी कटिंग को ज़रूर ग्रो कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। देख सकते हैं आप यहाँ पास मैंने भी इसके अभी जो है कटिंग को ग्रो किया है और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, अभी तक इसकी जो भी लीव्स हैं वो ड्रॉप नहीं हुई हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप लगा सकते हैं क्रोटन प्लांट्स, क्रोटन में भी काफ़ी वैरायटी आती हैं। अगर आपको जो भी वैरायटी की इसकी कटिंग मिल जाती है आप उससे प्रोपेगेट कर सकते हैं इजीली, कटिंग से ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ड्रेसिना रिफ्लेक्सा भी इसे बोलते हैं, इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। मेरे प्लांट की मैंने कटिंग लेके ग्रो किया है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुई है। ये आता है दोस्तों हमारा फाइकस का प्लांट, फाइकस में आपको ये दिख रहा है स्टारलाइट फाइकस या पैंडा फाइकस। आपको जो भी इसकी कटिंग मिल जाती है, जिस भी वैरायटी की, आपको बेंजामिना मिल जाता है आप उसकी भी कटिंग को लगा सकते हैं। और अभी मैं कटिंग्स की बात कर रहा हूँ, मनी प्लांट्स को मैं छोड़ दूँ ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है आप लोगों की। तो ईजिली होता है इसको प्रोपेगेट करना दोस्तों। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी ऐसे कुछ एरियल रूट मिल जाती हैं, तो एरियल रूट अगर जैसे ये एक नोड एरिया भी होता है, नोड एरिया से अगर आप इसकी कटिंग्स को लगा देंगे, ये आपको दिख रहा है नोड एरिया, तो इधर से भी आप इसकी कटिंग को ग्रो कर देंगे छोटा सा हिस्सा ही, तो काफ़ी आपका ये अच्छे तरीके से प्लांट बन जाएगा और ग्रो भी करने लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारे साथ दोस्तों डफन वेकिया का या डमकिन, आप इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग नहीं मिल पाती है तो आप जो इसका दोस्तों हिस्सा देख रहे हैं, अगर आपका प्लांट है तो आप इसको आधा कट करके भी लगा सकते हैं। तो कटिंग से ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा प्लांट है, आप इसको ज़रूर ग्रो कीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा दोस्तों ड्रेसिना की, कुछ और वैरायटी की ड्रेसिना रिबन है,
तो आप इसकी भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये दोनों जो है आप देख रहे हैं, मैंने कटिंग से ग्रो किया है दोनों ही प्लांट को और काफ़ी अच्छा इसमें मेरे को रिज़ल्ट देखने के लिए मिला है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पास मैंने कुछ प्लांट्स को अभी ट्रायल बेस पे इसमें वाटर पे ग्रो करना स्टार्ट ही किया है। और देखिए इसमें थोड़ा रिज़ल्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पास आप देख सकते हो, ये यहाँ पे रूट इसकी निकलना स्टार्ट हो गई है। मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मल वाटर में ग्रो कर सकते हैं या आप नॉर्मल गार्डन सॉइल पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइट मीडिया बनाइएगा, इजिली ग्रो हो जाएगी। थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर भी मिला दीजिएगा ताकि आपकी प्लांट्स की जो आपने कटिंग्स लगाए हैं रूट रॉट की प्रॉब्लम ना आए। सो दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो कटिंग्स है आप डायरेक्ट धूप पे मत रखिएगा, कुछ दिन के लिए सेमी शेड एरिया पे रखिएगा। जब ग्रोथ देखने मिल जाए तब आप इसे नॉर्मल से फिर डायरेक्ट सनलाइट पे ले जाइएगा तो आपके प्लांट की कटिंग भी सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग्स आपको लगानी है। मैंने दोनों तरह के प्लांट्स आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।